वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम सर्वप्रथम प्रश्न को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। लखनऊ से पल्लवी जी हैं जो आपके शिष्य हैं गुरु जी, उनका कहना है गुरु जी कि भजन में निरंतरता नहीं आ रही है। भजन में निरंतरता आए इसलिए उन्होंने एक अलग से रूम भी बनवाया है, उसमें ज़्यादा टाइम देती हैं और मानसिक जप करती हैं, लेकिन आधा घंटा एक घंटा तो कंटिन्यू करती हैं, उसके बाद फिर बाहरी विषयों में मन लग जाता है। तो भजन में रुकाव और निरंतरता कैसे है, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। राधे राधे। भजन कोटि अपने अलग बनाना भी अच्छा है, किंतु उसमें दो बाधाएं और हैं। एक तो यह है कि जो सांसारिक कर्तव्य हैं उनको भगवान की भक्ति से ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, इसलिए उसके लिए समय को प्राथमिकता दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि प्रेम होना चाहिए। जब प्रेम होगा तभी भजन ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल वे में होगा, स्वाभाविक रूप से होगा, बिना किसी प्रयास के होगा। ऐसे समझिए कि जैसे कभी अनुभव हो जाए कि बिल्कुल मरण जैसा संकट हो और कोई आकर बचा लिया हो, तो उसके लिए स्वाभाविक ही प्रेम हो जाता है। प्राण निकल रहे हों या भूख प्यास से कोई परेशान हो या कोई भारी संकट में पड़ा हो, तो उस समय जो सहायक होता है वो धन्यवाद भी केवल एक बार नहीं देते, जीवन भर के लिए कृतज्ञ हो जाते हैं। उसी तरीके से भगवान को समझिए। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। राम के स्वभाव को जिसने समझ लिया उसको भजन तज भाव न आना। भाव ही दूसरी चीज का नहीं होता, केवल भजन करना। ये कहा किसने है? शिव जी ने कहा, पार्वती माता से कहा है। अर्थात शिव जी राम जी के स्वभाव को जानते हैं, क्योंकि तुम पुनिरात राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। रात दिन शिव जी राम राम जपते हैं। क्यों जपते हैं? क्योंकि राम के स्वभाव को जानते हैं, उनके प्रेम को प्राप्त किया उन्होंने। तो जब प्रभु के कृपा भरे स्वभाव को, करुणा वरुणालय प्रभु जो हमारे सबसे ज्यादा घनिष्ठतम हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, उनके स्वभाव को, उनके मित्रता को, उनके प्रेम को जब हम समझेंगे तब भजन के अलावा दूसरा सब कार्य फीका लगेगा। सब कार्य फीके लगेंगे, प्रभु का भजन ही अच्छा लगेगा। इसलिए भगवान के स्वभाव को, भगवान के प्रेम को महत्व दो, स्वभाव प्रभु का समझो। असु स्वभाव कहूं सुनऊं न देखूं, कही खगेश रघुपति सम लेखूं। हे खगेश, गरुण जी महाराज काकभूषुंड जी कहते हैं, ऐसा स्वभाव राम जी के जैसा न सुना न देखा तो फिर उनके बराबर हम किसको मानेंगे? अर्थात प्रभु की भक्ति ही सार दिखलाई पड़ती है। तो भगवान के स्वभाव को समझो, कृपा भरे स्वभाव को, और उनसे प्रेम करना ही एक आवश्यक कर्म है। ये समझ में आ जाए तो भक्ति भजन खूब होने लग जाएगा। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे गुरु जी, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। विजय सेन कानपुर से इनका प्रश्न है गुरु जी। स्वामी जी, मैं प्रतिदिन महामंत्र माला जाप करता हूं, किंतु दिन भर गाकर कीर्तन करता रहता हूं। गाने में कृष्ण को कृष्णा और राम को रामा निकलता है, जैसे श्याम को श्यामा राधा जी को कहते हैं, तो क्या माता सीता को रामा और श्री राधा जी को कृष्णा कहा जाता है? कृपया मार्गदर्शन करें। जय श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। मैंने एक चरितावली आपको सुनाया था धर्म माता का, लगभग 2 साल पहले। धर्म माता जी की चरितावली, जो लाहौर की रहने वाली थी, बाद में वृंदावन में रहने लगी थी। इसके पहले वो अम्बाला में कन्या महाविद्यालय की टीचर थी।
और उषा बहन जी के कहने से सब कुछ छोड़ दिया था, वैराग्य हो गया था उनको। कृष्ण की इतनी महान भक्त थी कि 5 साल की अवस्था में विवाह कर लिया था भगवान कृष्ण से, और रावी नदी के किनारे उन्होंने अपनी भुआ से कहा, भुआ देख किशन जी खड़े हैं, मेरा हाथ उनके हाथ में दे दो। भुआ ने कहा, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। बोले, भुआ तुम्हें नहीं दिख रहे, मेरा हाथ तो पकड़ा उनको, और फिर कहा, मेरी शादी हो गई, आप जीवन में कभी मुझसे शादी करने को मत बोलना। मैं इसलिए बात बता रहा हूं कि वो दिन रात कृष्ण से बात करती थी, और क्या कहती थी, कृष्ण कभी नहीं बोले पूरी उम्र में, उन्होंने कृष्ण नहीं कहा, क्या कहती थी, किशन जी, किशन जी कहती थी, पंजाबी थी। 10-15 दिन भोजन नहीं करती थी। मां कहती थी, अरे धर्म तो भोजन क्यों नहीं करती है, तो धर्म जी कहती थी, किशन जी ने खिला दिया ना, किशन जी ने, कृष्ण नहीं, किशन जी ने खिला दिया ना, अब भूख तो है नहीं। 10-15 दिन के बाद कभी भोजन मां के हाथ से करती थी, नहीं तो किशन जी के हाथ से करती थी। छोटी सी बहन थी, उसका नाम था जनक। अब उसके परिवार के लोग हैं, धर्म जी ने तो शादी नहीं की संसार में, उनकी शादी तो भगवान से हुई, जनक की शादी हुई थी एक एयरफोर्स के अफसर से हुई थी, उनका परिवार है। तो वो बताती थी कि, जनक जी बताती हैं कि मैं छोटी सी थी 3 साल की, रो रही थी भूख के कारण, तो उन्होंने कहा कि तू आंख बंद कर, अभी किशन जी तुझको खिला देंगे। तो आंख बंद कर लिया छोटी सी बच्ची ने, 3 साल की बच्ची ने, और फिर उन्होंने कहा, किशन जी इसके मुंह में भोजन भर दो तुम। मुंह में भोजन भर दिया, और जब उसने कहा मेरा पेट भर गया, बोली अच्छा अब आंख खोल दे, और फिर बोली मुंह में स्वाद है, बोली बहुत स्वाद है, बहुत अच्छा भोजन। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि केवल किशन जी कहा था, श्री कृष्ण भगवान कृष्ण ऐसा कुछ नहीं, किशन जी, केवल प्रेम से भगवान का नाम पुकारो तो उच्चारण में दोष होगा तो कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि यहां मंत्रोच्चारण वाली बात नहीं, भक्ति का प्रेम का मार्ग होता है। प्रेम से माखन चोर कहे जाते हैं कि नहीं, माखन चोर प्रेम से ही तो कहे जाते हैं, वास्तव में माखन चोर नाम नहीं है, माखन चोर प्रेम से कहे जाते हैं। अरे केवल माखन चोर नहीं, छलिया कपटी, भागवत जी में लिखा हुआ है, कितव गोपी गीत में लिखा है, कितव योषिताम कष्ट जन निशी, हे कितव तुमने मुझे रात में कैसे छोड़ दिया यहां जंगल में। कितव मतलब कपटी, छली, गाली है ये, किसी को कपटी कहो, चली कहो, गाली है, लेकिन प्रेम से जो गोपी कहती है तो ये गाली नहीं, प्रेम की भाषा हो जाती है। ऐसे प्रेम की भाषा में कहीं भी कोई दोष उच्चारण में होगा वो सब माफ है। वो जैसे अपनेपन में किसी को कोई प्यार से कुछ भी कह दे तो अच्छा ही लगता है, ऐसे ही प्रेम में भगवान से आप जो कहोगे भगवान को अच्छा लगेगा। तो आप निश्चिंत होकर के प्रभु का नाम जपिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न, गुरु जी, स्वामी जी मैं 10-12 वर्ष का था, बहुत गरीबी थी, 25 वर्ष पहले की बात है, अपनी माँ से 50 रुपए मांगे थे, माँ 30 रुपए दिए, 20 रुपए और मांगे लेकिन माँ ने नहीं दिए, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने वो तीनों नोट फाड़ के फेंक दिए, फिर माँ को गुस्सा आया तो माँ मुझे श्राप दे दिया कि जाओ अब हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम एक एक पैसे के लिए और खाने के लिए तरसोगे। 2004 से वही हो रहा है जो श्राप था, इतनी मेहनत करता हूँ पैसे कमाने के लिए, इतनी दुकानें खोली लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाता, धीरे धीरे सारी दुकानें बिक जाती हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है, अब कुछ करने का मन भी नहीं करता, कृपया मार्गदर्शन करें श्राप मुक्त कैसे हो। श्री राधे राधे। अनजान में ही सही, गलती तो जरूर हुई है, माँ का दिल दुखाया गया आपके द्वारा, भले ही अबोध थे आप, बच्चे थे, लेकिन ये कर्म अनुचित हुआ, किंतु आप दुखी मत हो, निराश मत होइए, क्योंकि जो माँ आपको इस जन्म में मिली थी पिछले जन्म में नहीं थी,
आगे के जन्म में भी वो माँ नहीं मिलेगी। वो थोड़े दिन के लिए माँ थी, किंतु सदा पूर्व काल में, वर्तमान में और भविष्य काल में जो सदा एकमात्र सच्ची माँ है वो जगत जननी माँ जगदम्बा है। उनके अलावा सब माताएं थोड़े दिन के लिए ही होती हैं। इस शरीर को जन्म देने के बाद फिर कब चली जाएं, अब पहले कहाँ थी कुछ भरोसा नहीं, पिछले जन्म में माँ नहीं थी वो आगे भी नहीं होगी। तो कुछ दिन के लिए माँ थी, उनका सम्मान तो करना चाहिए था, लेकिन गलती हो गई। तो अब आप वो तो वापस टाइम ला नहीं पाओगे, वो टाइम वो घटना तो वापस आएगी नहीं। अब उसका एक ही उपाय है कि जो जगन माता है, जो सबसे बड़ी माता है, उनको आप चाहे राधा रानी कह लो, चाहे सीता माता कह लो, चाहे दुर्गा माता कह लो, अपने इष्ट के अनुसार आप जगन माता को ही अपनी माता मान लीजिए और उन्हीं से क्षमा मांगिए कि वो आपकी ही एक स्वरूप थी, मुझसे गलती हो गई, मैंने अपराध कर दिया, अपमान कर दिया। अब उनसे तो क्षमा मांगने में कहाँ जा पाऊंगा, वो संभव नहीं है। मैं उनसे तो क्षमा मांगता हूँ, किंतु हे जगत जननी वास्तविक माता तो आप हो, इसलिए मुझे अबोध बालक की भूल को क्षमा कर दो और मुझे कृपा करके उस श्राप से मुक्त कर दो। जो माता ने श्राप दिया था उस श्राप से वह मुक्त करने के लिए तो अब है नहीं, आप सबसे बड़ी माँ हैं, वास्तविक माँ हैं, आप श्राप से मुक्ति दीजिए। अब मैं आपकी और अपने प्रभु की भक्ति में लगूंगा और आपकी कृपा के सहारे ही सब कुछ मेरे लिए सुलभ हो जाएगा। भगवान से, भगवान की शक्ति माता से क्षमा मांगोगे, परम दयालु हैं, क्षमा भी कर देंगे। और जब भक्ति में लग जाओगे, उनके चरणों में प्रेम करोगे, तो उनकी कृपा इतनी बरसेगी कि वो श्राप मिट्टी में मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा। उस श्राप का दंड, वो दुख आपको अब जो जितना भोगना था भोग चुके, वो खत्म हो जाएगा श्राप, अब वो श्राप नहीं रहेगा। बस भगवती और भगवान के चरणों के भक्त बन जाओ, क्षमा भी मांग लो। आपको जो रुचते हो, सीताराम जी या राधे श्याम जी या गौरी शंकर, पार्वती माता, अन्नपूर्णा माता, शिव जी महाराज, जहां श्रद्धा ज्यादा हो। श्रद्धा ज्यादा होगी तभी भक्ति बढ़ती है, बिना श्रद्धा के भक्ति बढ़ती नहीं है। तो जो जगत जननी और भगवान जगत पिता हैं, उनके चरणों में जाकर समर्पित होकर उनका भक्त बन जाओ और उन्हीं से क्षमा मांग लो, तो आप श्राप मुक्त हो जाओगे। भक्ति करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्री राधे राधे। इनका तीसरा प्रश्न है, गुरु जी, स्वामी जी, लॉकडाउन लगने के बाद मेरे स्वप्न में शिवलिंग, सीताराम, राधे कृष्ण, दुर्गा माता और सभी देवी देवता थे। तब से मेरे मन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। अब तो भगवान के सिवा कोई अच्छा लगता ही नहीं है। अब तो स्वप्न में प्रभु का श्याम नाम, राम नाम लेता रहता हूँ। शिवलिंग के दर्शन होते रहते हैं, केवल भगवत चर्चा सुनने सुनाने का मन करता है। गांव वाले मुझे बाबा जी कहने लगे, मेरा अभी विवाह नहीं हुआ है, कितने लोग आए लेकिन बात नहीं बनी। मेरा पूज्य संतों के बीच में रहने की तीव्र इच्छा है, कहाँ जाऊं, कैसे संत मिलेंगे, क्या करूं पूज्य संतों के पास रहने के लिए। घर में भी माँ है, उनको छोड़ने का मन नहीं करता। स्वामी जी बताइए मैं क्या करूँ, श्री राधे राधे मार्गदर्शन करें। श्री राधे। राम भगत प्रिय लागहिं जेहि, ते उर्वशो सहित बैदेही। श्री वाल्मीकि जी ने कहा है, वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम से कहा कि आपके जो भक्त जिनको अच्छे लगते हैं, आपके भक्त जिनको प्रिय लगते हैं, उनके हृदय में प्रभु आप निवास करिए, सदा निवास करिए, अर्थात उनके ऊपर प्रभु की कृपा विशेष हो जाती है। तो आप संतों से, भक्तों से प्रेम करिए। मैंने अभी कल सुनाया था कि एक बहुत ज्यादा संकटग्रस्त व्यक्ति था, उड़िया बाबा से मिला। उड़िया बाबा ने कहा एक सरल सी उपाय बता दूं, तो हरि बाबा से प्रेम किया कर, सब संकट दूर हो जाएंगे। हरि बाबा से प्रेम किया कर। हरि बाबा तो भगवान नहीं थे, लेकिन भगवान के इतने प्रिय भक्त थे कि उनसे प्रेम करने पर दुख दूर हो जाएगा। ऐसे राम भगत प्रिय लागें जी, जिसको भगवत भक्त अर्थात संत महात्मा, भगवान के भक्त, भले ही वेश में साधु ना हो लेकिन अंदर से साधु हैं वो,
बस उनसे प्रेम करो, श्रद्धा रखो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी कृपा हो जाती है। आप तो बहुत सुधर गए हैं, जो माँ को परेशान किया था वो सब दूर हो चुका है, क्योंकि आपको संत प्रिय लगते हैं, आप भक्ति कर रहे हो। अब कहाँ वो गड़बड़ी है, वो समय निकल गया है। आप ये मानो कि श्राप मुक्त हो चुके हो। आप किसी कारण से धनाभाव की परिस्थिति झेल रहे हो, वो भी कभी कभी भक्त के सम्मुख आ जाती परिस्थिति। सुदामा जैसे भक्त के सम्मुख परिस्थिति आई थी, तो ये परीक्षा की घड़ी होती है। हिम्मत मत हारना, परीक्षा की घड़ी थोड़े दिन के बाद जब टल जाती है तो सब अनुकूलता भगवान कर देते हैं, खूब सेवा का मौका मिलता है। श्री राधे राधे। गुरु जी राधे राधे। जय श्री सीताराम। मैं सागर मध्य प्रदेश से। मेरा प्रश्न है कि जीवन में दीनता कैसे लाएं, क्रोध पर और काम वासना पर विजय कैसे प्राप्त करें, और भगवान का चिंतन हमेशा बना रहे इसके लिए क्या करें। गुरु जी मेरा मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। राधे राधे। देखो भाई, क्रोध पर विजय के लिए एक ही अमोघ अस्त्र है, मौन। क्रोध का अभी वातावरण बनना शुरू लगा, अभी क्रोध की परिस्थिति पैदा नहीं हुई, लेकिन आपको लगा कि ऐसा वातावरण बन रहा है कि लगता है हमें क्रोध आएगा, बस उसी समय कस के निश्चय कर लो कि मुझे बोलना नहीं, चाहे कितना ही नुकसान आज हो जाए, कितना ही भारी नुकसान हो जाए, बेइज्जती हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। एकदम कस के मौन कर लिया, चाहे कितना ही आज मेरा मुझे कुछ भी कोई कह दे, मैं बोलूंगा नहीं, और तब तक नहीं बोलूंगा जब तक वातावरण सामान्य नहीं हो जाएगा, तब तक नहीं बोलूंगा। कट्टरता के साथ पक्का निश्चय कर लो ये बोलना नहीं मुझे, जिसको जो कहना चाहे मार दे कोई, तब भी नहीं बोलूंगा। क्रोध को जीत लोगे, और एक दिन जीत लिया ना, अगले दिन आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी और क्रोध की हिम्मत कम हो जाएगी, और ऐसे आप करते जाओगे तो क्रोध बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगा, अर्थात खत्म, उसकी शक्ति समाप्त, और आपकी शक्ति ऐसी हो जाएगी कि आनंद आ जाएगा। बस इतना करना होगा कि आप अहंकार मत करना कि मैंने क्रोध को जीत लिया, बस ये अहंकार से बचना पड़ेगा, नहीं तो क्रोध तो जीता, अहंकार खड़ा हो गया सामने। और काम वासना से जीतने के लिए भक्तों, आपको उन चीजों से बचना पड़ता है जिनके दर्शन से, उनका वचन सुनने से काम वासना बढ़ती हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिनका संग करने से, उनका साथ करने से, वचन सुनने से, खान पान की गड़बड़ी से, तो भाई उनसे थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा। जैसे स्त्री को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से कम एकांत में बहुत आवश्यक है, एकांत में मिलन बातचीत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत आवश्यक हो तो, नहीं तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भगवान का कोई चित्रपट आपको इस लगातार भगवान का स्मरण होता है तब तो बड़ा सरल है, लेकिन लगातार भगवान का स्मरण नहीं होता है तो कोई चित्रपट, छोटा सा फोटो ठाकुर जी की जेब में रखो या सम्मुख रखो जहां से आप देख सको बार बार। तो ऐसी परिस्थिति जब आती है कि काम विकार उत्पन्न होगा तो तुरंत कन्हैया को या अपने ठाकुर को जो भी है बार बार उनको देखते रहो, और थोड़ा शर्म लिहाज करो कि देखो ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, सर्वदृष्टा मुझे देख, अब इनकी आंखों से हम कहाँ बच सकते हैं, तो थोड़ा सा उनकी निगाह की शर्म लिहाज करोगे, बार बार उनको देखोगे तो सुरक्षा कवच मिल जाएगा। तो काम क्रोध वाली बात बता दिया, अब तीसरा क्या था, लगातार भजन हो, तो लगातार भजन के लिए मैं पहले ही बता चुका कि प्रभु के स्वभाव को, कृपालुता को, उनके प्रेम को बार बार याद करोगे तो प्रेम भजन खूब ज्यादा होगा। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं वाराणसी से सुषमा कर प्रकाश पाठक बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि नीम करौली बाबा
केवल राम नाम बोलते थे, राम नाम लिखते थे और राम राम ही जपने को देते थे, तो क्या नीम करौली वाले बाबा के पास जो सिद्धियां थी वह राम नाम की महिमा से थी या उनके पास कोई तांत्रिक सिद्धियां भी थी? कृपया प्रकाश डालने की कृपा करें। श्री राधे राधे। राधे राधे। फरुखाबाद कभी आपको जाने को मिले, कन्नौज से निकट में है फरुखाबाद। फरुखाबाद जिले में ही नीब करौली नाम का गांव है, छोटा सा स्टेशन भी नीब करौली। तो नीब करौली गांव में बाबा 12 साल रहे, मैं उनका चरित्र पूरा सुना चुका हूँ 28 भाग में। तो 12 वर्ष वो जहाँ रहे मैं वहाँ गया था, तो पुजारी जी बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने कहा कि हम महीने में एक ही दिन गुफा का दर्शन कराते हैं पूर्णिमा को, लेकिन आप तो कृपा करके, बोले आप चलिए, आप गुफा में चलिए, वैसे हम किसी को उसमें घुसने नहीं देते। तो गए, कुआं जैसी गुफा है, मिट्टी के कुआं जैसी, और बाबा ने अपने हाथ से खोदा था और हनुमान जी की उपासना करते थे। रात में निकलते थे एक बार, चाहे नहाना धोना शौच कुछ खाना पीना जो भी हो, किसी से मिलते नहीं थे। 12 साल तक उनकी साधना हनुमान जी की उपासना की चली थी, और राम नाम हनुमान जी को लिख लिख कर देते थे, सुनाते थे, कीर्तन करते थे। आराध्य देव उनके हनुमान जी थे। और महाराज, हनुमान जी ने जिस गांव में उनको 12 साल में परम सिद्ध बना दिया, नीब करौली गांव, उसके बाद आज्ञा कर दिया अब यहां से चले जाओ तुम, अब तुम्हारा नाम हो गया नीब करौली बाबा। लेकिन वहां से लक्ष्मण दास नाम था पहले उनका, पहले उनका नाम था लक्ष्मण दास, लेकिन ये नाम तो दुनिया भूल गई, लक्ष्मण दास नीम करौली बाबा हो गए। फिर उसके बाद कैंची में रहे, आखिरी में रहे वृंदावन धाम में। तो उनकी साधना तो राम नाम की ही थी, इसलिए खुद भी लिखते थे, दूसरों को भी लिखवाते थे और कीर्तन करवाते थे। किंतु उनके आराध्य हनुमान जी जो थे वो चमत्कार करते थे, उनके ऊपर आवेश आ जाता था, हनुमान जी का आवेश आ जाता था, शक्ति प्राप्त होती थी। एक जगह बैठे बैठे दूसरी जगह भी चले जाते थे, कोई काल्पनिक बातें नहीं, एकदम सच्ची बातें हैं। वो लोग अभी उनके खानदान के लोग जिंदा हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटी, और यहां बैठे हैं और अमेरिका पहुंच जाते थे, और ट्रेन में, अमेरिका के ट्रेन में पहुंच गए और अंग्रेज बैठा था नीम करौली नहीं कैंची में, तो वो बोले कि तेरी पत्नी बीमार है, बोले बाबा आप ही बचा सकते हो, और पहुंच गए वहां और उसको कुछ खिला दिया, और फिर 5 मिनट बाद आंख खोले, बोले ठीक हो गई वो। अब जब वो अंग्रेज वापस गया तो उसने कहा मेरी स्थिति तो मरने की थी, लेकिन एक कंबल ओढ़े बाबा आ गया उसी ट्रेन के अंदर, वो पता नहीं क्या प्रसाद खिलाया, मैं ठीक हो गई। तो ये तो मैंने एक छोटा सा नमूना बताया, ऐसे अनंत हनुमान जी के द्वारा खेल लीलाएं चमत्कार होते रहते थे। तो भाई उन्होंने, अब ये भी समझिए कि पहले गृहस्थ भी थे वो, ऐसा नहीं कि गृहस्थ नहीं थे। महाराज 2 बेटे थे, एक बेटे का दर्शन तो मैंने किया भी था, वो यही जो वृंदावन धाम में आश्रम की सेवा संभालते थे, बिल्कुल देखने में नीब करौली बाबा जैसे ही थे वो, अब शायद वो भी नहीं है। तो लगन यदि आपके अंदर उत्पन्न हो जाए तो आप गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, एक बार लगन जग जाए और लग जाओ आप प्रभु के नाम की साधना में, और हनुमान जी का सहारा यदि मिल गया तो चमत्कार होता था, कितने चमत्कार हो, छोटे बच्चों के ऊपर, निर्मल हृदय वालों के ऊपर ज्यादा होता था। छोटी बच्ची एक देख रही थी, खूब हंस रही थी, खूब हंस रही थी, तब तक जोरों से रोने लगी। कैंची की बात है, मैंने तो बहुत सारे सुनाया आपको चरित्र में, तो सब उसके घर के लोग कहने लगे क्या बात है, रोती क्यों है? तो उसने बड़ी मुश्किल से बताया कि बाबा की छाती पर राम की लीला चल रही थी जैसे टीवी पर चलती है। और तब तक जब गाया गया प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, अब भगवान का राज्याभिषेक हो रहा था, अब वशिष्ठ जी आए और तिलक करने लगे, तो अब राम जी नहीं दिखे, वशिष्ठ जी की पीठ दिखलाई पड़ी उसको। अब वशिष्ठ जी की पीठ देखते ही रोने लग गई वो,
कि राम जी कहाँ चले गए, तो उठा लिया बाबा ने उस कन्या को, उठा लिया गोद में बैठा लिया। तो क्या क्या भगवान की भक्ति के द्वारा वो दिखा देते थे, कहाँ का भी दर्शन करा देते थे, कोई भी कार्य करा देते थे, कैसे भी चमत्कार, मतलब मानव बुद्धि के परे की बात होती थी वो। कितना ही आप साइंटिफिक ब्रेन वाले हों, कितना ही आपकी मेधा बड़ी बड़ी तीव्र है, लेकिन बाबा की शक्ति के सामने सब कुंठित हो जाती थी, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति थी। तो हनुमान जी की शक्ति और राम नाम का प्रताप दोनों के द्वारा बाबा परम सिद्ध थे। श्री राधे राधे। मैं कृष्ण प्रणामी से दीक्षित हूँ। अभी मैं, मेरे को व्रज में प्रेम हो गया है। मैं सोचता हूँ कि किसी से मैं व्रज में से कोई दीक्षा ले लूँ। तो सोचा कोई कृष्ण से प्रेम है तो किससे दीक्षा लेनी चाहिए। राधे राधे, ऐसा नहीं है, दीक्षा बार बार नहीं लेनी चाहिए। जहां आपने कृष्ण प्रणामी में दीक्षा ली है वही पर्याप्त। अब आप भगवान की भक्ति के लिए सत्संग अर्थात शिक्षा, दीक्षा तो हो गई आपकी, अब आप शिक्षा, भक्ति वाली शिक्षा लेते रहिए। संसार की चतुराई वाली शिक्षा से कोई काम नहीं होना, वो संसार में जीने खाने के लिए होता है। प्रभु से प्रेम करने के लिए सत्संग, जिसको शिक्षा में बता रहा हूँ, ये सत्संग है। इसमें सबसे ज्यादा मुख्य होता है भक्त भगवंत चरित्र श्रवण करना, और ये होता है सत्संग। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। दृढ़ अनुराग कभी होगा, कब होगा, जब मोह से निवृत्ति होगी। और मोह से निवृत्ति कब होगी, जब राम की कथा भक्त भगवंत चरित सुनने को मिलेगा। और ये कब मिलेगा, जब सत्संग होगा। तो आप सत्संग अटेंड करिए, संतों भक्तों का चरित सुनिए, भगवान का चरित सुनिए, तो उसी से आपकी गति आध्यात्मिक दिशा की तीव्र हो जाएगी, प्रभु से प्रेम होगा। दीक्षा बार बार लेने से श्रद्धा बिगड़ती है। जैसे आप अभी दीक्षा लोगे, जिन गुरु जी से दीक्षा लिए हो, फिर आप उनको गुरु नहीं मानोगे और किसी को गुरु मानोगे, तो ऐसे निष्ठा बिगड़ जाती है। तो मैं दीक्षा लेने के लिए नहीं कहूँगा, आप सत्संग करिए, खूब नाम जप करिए, खूब भक्तों संतों का चरित सुनिए, उसी से कल्याण हो जाएगा। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे गुरुदेव, आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। मैं कोलकाता से कुसुम बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि क्या महाराज जी 3 लड्डू गोपाल घर में रख सकते हैं। मेरे पास पहले एक ही लड्डू गोपाल थे जब मैंने गृह प्रवेश किया था, तब दूसरे लड्डू गोपाल किसी ने गिफ्ट किया था, और अब रक्षाबंधन पर किसी ने तीसरे लड्डू गोपाल और गाय के साथ मुझे गिफ्ट किया है। तो क्या मैं 3 लड्डू गोपाल को घर में रख सकती हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। कर्मकांड में ये सब विधि निषेध की बातें होती है, विधि और निषेध की, कितना संख्या हो कितना नहीं हो, ये सब की बातें होती है। लेकिन जब भगवान से प्रेम का मार्ग होता है तब ये सब दूरी समाप्त हो जाती है। तब आपके एक नहीं अनेकानेक ठाकुर जी के रूप प्रकट होते हैं, अनेकानेक। और अर्जुन को भगवान ने अनेक रूप दिखाया, गोपियों को अनेकानेक रूप दिखाया, भक्तों को अनेक अनेक रूप दिखाया। तो बहुत से, अभी हमारे यहाँ एक माता अभी कल तक थी यहाँ पर, खुशबू नाम है, कनाडा में रहती है, उसके पास 5 लड्डू गोपाल है। अब महाराज वात्सल्य भाव में परम सिद्ध, उसका पति साथ में है, वो भी खुद बता रहा था कि उन्होंने एक दिन 5 बच्चे कहती है लड्डू गोपाल को कि मैंने अपने 5 बच्चों को कहा दूध पी ले, दूध पी ले। और आपको आश्चर्य होगा, उसके कभी बच्चा नहीं हुआ है अपने शरीर से। और जब उसने इसे अपने सीने से सटाया, दूध की धार बह चली, किसी तरह से नहीं रुकी थी। और पति को चिंता हो गई कि इसको कोई बीमारी हो गई, तो वो डॉक्टर के पास ले गया कि चेकअप करो, आप क्या हो गया। तो चेकअप करने पर मालूम हुआ कि वो हार्मोन जिससे दूध पैदा होता है वो बढ़ गया है, और इतना बढ़ गया है कि बिना छुए दूध निकलता जा रहा है, रात दिन निकला, 7 दिन तक निकला था दूध। ये बात अभी 1 साल पहले की है।
सात दिन सात रात चाहे सो रही हो चाहे जग रही हो दूध बहता जाता था, कपड़े उसके भीगते रहते थे। और डॉक्टर ने कहा हार्मोन बढ़ गया, लेकिन हार्मोन क्यों बढ़ा ये डॉक्टर नहीं बता सकता। दूध का हार्मोन इतना बढ़ जाए कि रात दिन दूध निकले, ये हार्मोन क्यों बढ़ा ये नहीं बता सकता डॉक्टर, क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा प्रकट होकर दूध पीना चाह रहे थे। अब जिसका कृपा करके वात्सल्य भाव ऐसा प्रभु ने जिसको दिया है और दूध खुद प्रभु पीना चाहते हैं, तो फिर तो हार्मोन तो डॉक्टरी भाषा में है, नहीं तो कन्हैया का जो क्षीर सिंधु है ना, क्षीर सागर, वही उस माता के अंदर प्रकट हो गया। लो दूध की धार चल रही हो, पी रहे हैं वो लोग। बाद में तो चम्मच से पिलाती थी, जब वो बंद हो गया ना, सात दिन के बाद बंद हो गया, फिर वो चम्मच से पिलाती थी। वो पांचों लोगों को चम्मच से दूध पिलाती, अभी भी है वो माता, बिल्कुल यंग है। तो भक्तों पांच, मैं ये बता रहा हूं कि पांच लड्डू गोपाल उनके पास हैं। वो बड़े प्यार से बोलती है, ये कनाडियन है, ये अमेरिकन है, ये वृंदावनी है, अलग अलग नाम सबका रख रखी। और कहती है कि ये सब दूध पीते हैं, सब मेरे हाथ से दूध पीते हैं। एक सात दिन तक तो शरीर से पिया था मुंह लगा के, उसके बाद सब हाथ से चम्मच से पीते हैं। भक्ति में जब जिसकी स्थिति ऐसी ऊंची हो जाती है तो वहां कोई संख्या कोई नियम कुछ नहीं रहता। नियम तो साधक के लिए है, लेकिन साधक में जब प्रेम उत्पन्न हो गया तो साधक नहीं वो सिद्ध हो गया। अब उसके लिए सब नियम दूर रह गए, बस प्रभु का प्रेम ही सर्वोपरि हो गया। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। गुरु जी मेरा प्रश्न ये है, मेरा काफी समय से खुद से भी ये प्रश्न रहा है कि मृत्यु जो है ये कहा जाता है कि ये निर्धारित है। जब हम इस जीव मृत्यु लोक में आए हैं तो हमारी मृत्यु उसी समय निश्चित हो गई है, अब किस कारण से होगी ये पता नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मृत्यु जो मुझे ऐसा एहसास होता है कि मृत्यु के अपने द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा भी कोई कारण हो सकते हैं, कि मृत्यु का कारण निर्धारित है कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के द्वारा जो हमने किया है उसी के द्वारा हमारी मृत्यु के कारण जो है निर्धारित है। वैसे ये बात सत्य है कि मृत्यु निर्धारित है, ये बात सत्य है। और उसमें चेंज भी होता, ये भी बात सत्य है, लेकिन वो कब होता है? अति उग्र पुण्य पापा नाम यही वह फल मशूते त्रिभीर मास त्रिभीर पक्ष ही त्रिभीर दिन त्रिभीर मास ही त्रिभीर पक्ष ही त्रिभीर सप्ताह त्रिभीर दिन अति उग्र पुण्य पापा नाम यही फल मशूते। बहुत ज्यादा उग्र पुण्य हो या बहुत ज्यादा उग्र पाप हो, सामान्य नहीं, बहुत उग्र पाप हो चाहे बहुत उग्र पुण्य हो, तो प्रारब्ध में कनेक्ट कर दिया जाता है उसको। वैसे प्रारब्ध जीव लेकर आया है, जीव जो गर्भ में था, गर्भस्थ शैव देहिना पंचान्यपसी जनते, पांच चीजें उसको गर्भ में था तभी निर्धारित हो गई कि ये कर्म करेगा इतना धन होगा, उस स्थान पर उस पक्ष में उस तारीख को वहां पर निधन होगा, ये सब निर्धारित हो जाता है। लेकिन जब ये अति उग्र पाप यह हो, जैसे बहुत ज्यादा हो गया आतंकवादी जैसा पापी, तो उसकी महाराज जो वो कुकर्म का पाप कर्म का दंड है ना, वो उसके प्रारब्ध में जोड़ दिया जाएगा, इसी जन्म में फल मिल जाएगा, इसी जन्म में फल मिल जाएगा, अगले जन्म तक इंतजार नहीं होगा। सामान्य कर्म होगा तो अगले जन्म में फल मिलेगा, सामान्य कर्म होगा तो अगले जन्म में फल मिलेगा, और विशेष ऊंचा पाप है तो इसी जन्म में पाप का दंड। इसी तरह से भजन का जो फल है सामान्य होगा तो अगले जन्म में मिलेगा, और बहुत ज्यादा किसी ने भजन किया है तो इसी जन्म में उसको फल मिलना शुरू हो जाएगा। यहां तक कि प्रभु की प्रेम युक्त भक्ति को देख करके भगवान के मुंह से निकल पड़ा, कबहू काल न व्यापी तो ही सुमिरसु भजसु निरंतर मोही। हे काक भुसुंडी,
हृदय से आनंद से मुख से शब्द निकला प्रभु के, ऐसे तू प्रेम से भजन करता रह, सुमिरस भजस कबहू काल न व्यापित हो। ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, सृष्टि का प्रलय हो जाता है, यहां बसो तुम सुनु खग ईशा, बीते कल्प सात अरु बीसा। कल्प सात अरु बीसा, 27 कल्प बीत गए काकभुसुंडी जी को एक जगह। राम कथा सो कहे निरंतर, सादर सुनहि सकल विहंग बर। रात दिन भगवान की कथा सुना रहे हैं और राम जी के मुख से निकल गया काल व्यापेगा ही नहीं तुमको। ऐसे ही बहुत भक्ति हो या बहुत पापी हो तो प्रारब्ध मिट जाता है, बदल जाता है, खराब हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो ये सामान्य नहीं है, एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन होता है। श्रीराधे जी, घर में जब हम फूल के लिए सोचते हैं तो हमको टाइम ज्यादा लग जाता है, और जब पूजा करने में देर होती तो मन बड़ा खिन्न होता है, तो क्या हम शाम को इकट्ठा करके रख लें और पूजा करें तो सही रहेगा? फूल रख लेते हैं ना, शाम को रख लें सुबह के लिए। हाँ देखिए, ये अब ठाकुर जी से हम लोग का ये है ना, वो साइंस का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ हम लोग सत्संग कर रहे हैं, अब अमेरिका में हो चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, और शाम तक अपना आराम से देख लोगे, सुन लोगे। ऐसे ही थोड़ा सा साइंस का, टेक्नोलॉजी का, और जो भी इन्वेंशन हुए उसके द्वारा भगवान की सेवा करो। अभी प्रभु की सेवा में ही तो हम लोग लगे हैं। क्या सेवा? भगवान की कथा, भक्तों की कथा, और भ्रम का निवारण, प्रश्न का उत्तर, ये सब हो रहा है। साधक के लिए सेवा हो रही है और साधकों की सेवा भगवान की सेवा हो गई। तो आप भगवान के लिए जो फूल चढ़ाना है, सुबह यदि नहीं ला सकते हैं तो शाम को ला करके फ्रिज में रख लीजिए या ठंडी जगह पर रख लीजिए, और सुबह आप चाहें तो उनको धो करके, जल छिड़क कर साफ करके भगवान को अर्पण कर दीजिए। मुरझाया तो है नहीं, उसमें खुशबू भी है, अब मुरझाया भी नहीं है तो उसको बासी नहीं माना जाएगा। बासी तब माना जाता जब आप उसको तोड़ करके ऐसी जगह रख देते कि मुरझा जाता वो, तो मुरझाया तो है नहीं, सब नेचुरल वे में उसकी खुशबू आदि बनी हुई है। तो आप उसको शाम को लाकर सुबह चढ़ा सकते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की।